अब तुम मारे जाओगे तो तेरे को तलाक दे देंगे। तलाक मुझसे तो ये तक कहा गया है तेरे परिवार के लोगों ने। तेरे हमने बनाओ कभी कहा तुमसे बनाओ मिलती। हाँ बता कर दी नहीं ये तो गलत बात है ना शादी के लिए। तुमने दहेज के लिए शादी करी इसका मतलब इनके बाप ने दहेज दिया क्या है तुमको? 4-4 रुपए में खरीद दूंगा। तो भाई आज तो ना मम्मी ने पापा की शादी की सारी पोली खोल दी। प्रिय तुम काहे हाथ पकड़ के सॉरी बोलो। अरे नहीं आई डोंट लाइक। Hey guys, welcome back to another YouTube video. मैं रोहित पाड़ी फिर से स्वागत करता हूँ आपका एक फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज मैं पहली बार ना भाई इस तरीके से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, सामने इतना बड़ा मिरर और भैया अपना आईफोन हाथ में। मैंने अभी तक अपने आईफोन से अभी तक ऐसे इंट्रो कभी स्टार्ट नहीं किया, बट फाइनली आज मैं जिस होटल में आकर रुका हुआ था ना वहां पर इतना बड़ा सा ये मिरर लगा हुआ था, इसलिए भाई अपना इंट्रो आज ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो कैसे आप लोग? और भैया आज के दिन हमारी शुरुआत हो रही दिल्ली से, और दिल्ली में कल के ब्लॉग में आ गया था, आपको पता ही कैसे अचानक से दिल्ली आना पड़ा आपके रोहित पाड़ी को। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, आज फिर से हम अपने एक नए सफर की शुरुआत करेंगे आपका दिल्ली से नैनीताल के लिए। चलो अभी क्या है फटाफट से अपना बैग वैग उठाते हैं पैक कर। चलो भैया अपने होटल से बाहर आ गए और पानी की ना सारी बोतल भी ले आए, सारी पानी की बोतल में पैसे दिए थे हमने, क्योंकि जिस चीज के पीछे पैसा खर्च हो ना उसे छोड़ना नहीं चाहिए कभी। ठीक है भाई फाइनली। तो भाई साहब सुबह सुबह मॉर्निंग में ना दिल्ली में निकलने में यही फायदा है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलता। लेकिन जब कल रात हम आ रहे थे ना भाई इतना ट्रैफिक था, कम से कम नहीं भी तो भैया 2.5 से 3 घंटा तो हमारा ट्रैफिक भी खराब हो गया। भाई 2 घंटे के सफर के बाद ना हम लोग पहुंच गए एक स्टॉप पे। आप अपना हमने ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं है, अब ब्रेकफास्ट लंच दोनों साथ करते हैं ब्रंच। सुबह के टाइम पे ना अगर नाश्ता वास्ता ना करो ना फिर पूरे दिन भर दिमाग खराब रहता है भाई साहब। जी अपना खाना शाना आ गया, अपना मूली का पराठा भाई जी खाना वाना खा लिया है, और अब निकलते हैं फटाफट से अपने हल्द्वानी पहुंचते हैं, देहरादून भी जाना है। ओ मेरी जान देखो, अरे नमस्कार ये भाई कौन कहाँ कोई मतलब आता पता ही नहीं है, कहीं मिल जाओगे भाई। अब तो ना पता ही नहीं चलता कब कौन कहाँ मिल जाता है भाई। चलो अपना खाना वाना खा लिया हम लोगों ने, तो फटाफट से अब यहाँ से घर पहुंचते हैं हल्द्वानी अपने घर। उसके बाद फटाफट से बहुत सारे काम करने हैं मुझे, शायद कल देहरादून भी निकलना पड़ सकता है। अभी हपड़ तपड़ मची हुई है कि यार राइड करूं आपका इंटरनेशनल ट्रैवल करूं, बाइक को मॉडिफाइड करूं नई, जो अपनी अपनी थार या जिमनी के बीच में जो चल रहा है ना कलेस की कौन सी बुक करनी है, वो बहुत सारी चीज चल रही है यार। अभी चलो फटाफट से पहले निकलते हैं यहाँ से भाई। सामने देखो एक ट्रक कितना ओवर लोडेड है भाई, कितना गन्ना लोड किया जा रहा है। अगर अभी कोई एकाध गन्ने का कुछ गिर गया ना भाई तो कांड हो जाना है। हम लोग घर पहुंच गए, चलो चलते घर के अंदर। वेलकम, क्योंकि बहुत जल्दी भाई इस KTM की ना मॉडिफिकेशन भी करानी है यार मेरे को भाई। अभी मैं दिल्ली से भी घर पहुंचा ना भाई, दिल्ली में तो ना इतना गर्म गर्म सा लग रहा था ना यहाँ आने के बाद ना, लेकिन जैकेट पहननी पड़ेगी मुझे क्योंकि यहाँ मौसम अभी भी ठंडा है। पहन ली, पापा मम्मी घर पे कोई नहीं, पापा मम्मी दोनों खेत गए होंगे। तो भाई जी भी काम करता हूँ, अभी जो मैं हरिद्वार गया था ना आपका कांवर लेकर जिस साइकिल से गया था भाई, ये अपने एक सब्सक्राइबर की साइकिल थी, पहले भाई की साइकिल को उसके घर दे आते हैं। तो भाई भास्कर जाएगा अपनी KTM के साथ और मैं जाऊंगा साइकिल लेकर, क्योंकि वहां से ना भाई हमें KTM से वापस आना है। जब ना मैं अपनी बाइक किसी और के ऊपर देखता हूँ ना तो मुझे अपनी बाइक ना और ज्यादा अच्छी लगती है। तो भाई देखो अभी मैं साइकिल वगैरह छोड़ने जा रहा था अपने दूसरे गांव में, और अपने एक छोटा सा फैन मिल गया क्या? हाँ। कौन सा नारा लगा रहा तू अभी? एक पहाड़ी सब पे भारी, रोहित पहाड़ी सब भारी। तो भाई हर कोई राजा आता है। थैंक यू सो मच, लव यू। क्या नाम है? ऐसी ब्लॉग देखते रहो, पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है? यहाँ के बच्चे भी हमारे ब्लॉग देखते हैं यार। चलो थैंक यू सो मच। तो भाई छोटे छोटे बच्चे ना अपने ब्लॉग देखते ना तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब वही सौरभ भाई वाला क्रेज क्या हमारे लिए भी होने लग गया क्या? साइकिल देख के आते हैं क्योंकि पसीना पसीना हो चुका है ऑलरेडी। अब वही रहे वापिस चल। तो भाई फाइनली मैं कमल के घर पहुंच गया, और मैं कमल के घर साइकिल लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि भाई इसका जो कुत्ता है ना भाई, क्या हाल है कमल? इसका जो कुत्ता है ना ये वाला भाई, ये इसकी गाड़ी को कोई छूता है ना तो वो उसको पकड़ लेता है। अब हम चलते हैं कमल के घर क्योंकि साइकिल ये खुद लेके जाएगा। नहीं 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 नहीं, ए कमल पकड़ दो उसको, पकड़। नमस्कार आंटी जी, कैसे हो? बढ़िया, हर हर महादेव। इस गाड़ी को एक बार किसी इंसान ने हाथ लगाया था भाई साहब, इस कुत्ते ने ना उसकी टांग पकड़ दी, इसलिए मैं साइकिल को लेके नहीं आया वहां से यहाँ तक। मैं पहली बार देख रहा हूँ कुत्ते का नाम सेल्फी है और बकरों का नाम जियो और 4G है। इसका नाम सेल्फी क्यों रखा आंटी आपने? इसने रखा है कमल ने, बताओ यार। हद है, सेल्फी 4G जियो तेरे, तभी तो मेरी शादी में ओले पड़े। हमारे बाप ने व्यवस्था करी थी वहाँ दिन की बरात। तो अब हो जाती है वहाँ से घर से मई का मेहनत है ना, वहाँ से बैठी एक जगह तो दूल्हा पानी के लिए पूछ देता कहीं पर। पापा ने पूछा नहीं पानी के लिए एक बार भी? एक जगह पर नहीं है। अरे बाबा मैं पानी के लिए तेरे को पूछूंगा। आगे से भू उठा मेरे को पता नहीं है, मेरे ससुर जी हैं घर के भी पता। खाने के लिए नहीं पूछा कहीं पे भी पापा ने? कहीं पे माइके से यहाँ तक? यहाँ तक। ये तो तुमने गलत किया, फिर बहुत गलत किया। खाने के लिए भी नहीं पूछा मम्मी को शादी में?
तो भैया जी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ से मैं पैसे कमाता हूँ ऑनलाइन गेम खेल कर और अपने सारे एक्सपेंसेस अपने सारे खर्चों को मेंटेन करता हूँ। तो दोस्तों क्या आप ऑनलाइन गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको रमी नोबल के बारे में जान लेना चाहिए। दरअसल ये एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मजेदार गेम तो खेलते ही हैं, तो अगर आप समझदारी से खेलें तो आप काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, रमी नोबल गेमिंग और मनी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको हर तरीके के इंटरेस्टिंग गेम खेलने को मिलेंगे और हर गेम को जीतने पे आप कई सारे रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो इसलिए अगर आप ऑनलाइन गेमिंग खेलना चाहते हैं तो ज्यादा सोचिए मत, तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, डाउनलोड कीजिए और खेलिए समझदारी से। और हाँ, आसानी से पैसे ट्रांसफर कीजिए अपने अकाउंट में। तो या सीओ कहाँ क्यों क्यों कोई व्यवस्था नहीं करी ऐसी में इनकी तुम्हारी साल भी ऐसा पापा लड़ गए वहाँ शादी में अपनी शादी में बारिश हो गई व्यवस्था तो ढेर हो गई थी उसमें अब गांव का माहौल ठहरा हो क्या व्यवस्था खराब हुई थी पापा बता दो पहले अगर मैंने वहाँ अपनी शादी में दूल्हा बने हुए में लड़ाई करी है तो लड़ाई नहीं करी डांस तो सही तुमने चिन्ह किसको चमचा मतलब तुम सुन रही थी तुम साल की दुल्हन थी मैं 25 साल का दूल्हा था हम पिताजी की बात है अभी तुम अपनी ये बयान कर रहे हो कि मेरे घर में मेरे को डांटा तो तू क्यों आई शादी करके तो तूने नहीं आना चाहिए था ना शादी करके तलाक देना चाहिए था उसी समय तलाक देना चाहिए था उस समय मुझसे कह रहे थे वैसे मेरी रीजा कह रही थी ना कसम से कह रही ये बात आज क्लियर होगी अच्छा शादी में कह रही थी कसम से मेरी रीजा ने कहा भैंस को भारी जो क्या रहता है 13 दिन में तो दुर्गोड़े गए ना चिट्ठी ना पत्र ना फोन 13 दिन अब ये होने से चमचम सबको डर लगी अबे मारते हमारी लड़की को मारते तो नहीं है भाग रही है मारते तो नहीं है सब फिकर के मारे मरे ठहरे वहाँ सारे हड़तपा वाले 13 दिन में गई मैं दुर्गोड़े में ये तो पापा तुमने गलत किया अपनी शादी में मम्मी को धक्का मारा तुमने ये इनकी बगावत है नहीं मैं किस बोलूंगा मैंने बड़े प्रेम से इनको गले में माला पहना इतने बड़े ओले इतनी बड़ी कुछ नहीं था इनका घर खंडहर था तो फिर तुमने शादी में लड़ाई क्यों करी वहाँ इतनी मैंने कोई लड़ाई थोड़ी लड़ाई नहीं करवा गुस्सा हो गया व्यवस्था नहीं हुई करके व्यवस्था नहीं करी मैं अपने बाप का इकलौता लड़का था बोलने लगे तो ये इकलौता लड़का है पतला है दुबला है हम अपनी लड़की नहीं देंगे यहाँ शादी तय कर दी हमको पता ही नहीं हमने शादी तय कर दी सब कुछ कटिया को ओके कर दिया मैं तो पढ़ा लिखा था ठीक है इनसे कहा 40,000 रुपए देंगे लड़की को कौन कौन लालच में कर अच्छा पापा ने लालच में शादी करी क्या बड़े दादी ने कह दिया बोलना हाँ। नाम पर 40,000 रुपए रखे हैं 40,000 रुपए तुमको कैश देंगे पापा तुम 40,000 में बिक गए क्या ना मतलब दिए मेरे को क्या मतलब इनके पास 40 रुपए खाने के लिए तो घर में आटा चावल नहीं था पहाड़ों में नहीं नहीं मतलब मैंने 40,000 की मांग करी क्या ओहो सारी लड़कियों को फंसा दिया 40,000 रुपए तुमसे मांगूंगा भिखारियों से अब तुम मारे जाओगे लेकिन मेरी बदनामी कर रहे हो मेरे घर में रहते हो मैं 40,000 में बिकने वाला आदमी मैं तुमको 4,000 रुपए में खरीद दूंगा नहीं ये तो गलत बात है ना शादी के लिए तुमने तुमने दहेज के लिए शादी करी इसका मतलब ओ इनके बाप ने दहेज दिया क्या है हमने तुम्हारे लिए गुरुबंध बनाया 15 साल बाद बनाया 15 साल उससे पहले भी एक अंगूठी लेकर आए थे अंगूठी अलग लाए और मंगलसूत्र बाद में बनाया हमने बनाओगे कभी कहा तुमसे बनाओ मिलने तो तुम मंगल सूत्र भी नहीं लेगे हार भी नहीं लेगे और एक खाली अंगूठी ले कुछ ले गए पूरा भरपूर ले गए तुम्हारी तुम्हारी लड़ाई की वजह से तुम्हारी तुम्हारी सासू माँ ने मना कर दिया था मम्मी से कि मत जा शादी करके वहाँ कब कब मतलब शादी के जो पहली बार गई थी मैं दुर्गोड़े में तो फिर को तलाक दे देंगे तलाक तो मिला जानते ही कहाँ मुझसे तो ये तक कहा गया है तेरे परिवार के लोगों ने मैं जोर से बोलूंगा कहा ये दुबला पतला तेरा लंगड़ा लड़का है इसको कहाँ लड़की दे रही हो इतनी सुंदर लड़की तुम्हें 19 साल की तो तुमने भी तो दहेज के चक्कर में शादी करी 50,000 के लालच में मैंने मतलब ये
के राजेश खन्ना जैसा स्मार्ट लड़का नहीं पहचान पाए। नहीं इनको, इनको क्या पता कितनी लड़की आई थी इस लाइन। फिर इनने हमको यह धमकी दी कि हरतपा वाले तो बदमाश हैं। मैंने कहा चल तुम्हारी बदमाशी देखते हरतपा। और अच्छा हुआ कि आज हमारे यहाँ से एक लड़के की बारात कहीं बाहर गई है, तुम बच गए। मैंने कहा हम तुम जैसे को खरीद के 100 बार खरीदेंगे, 100 बार बेच देंगे। तो तुम्हें कहा नहीं कि हम धमोला वाले भी सबसे बड़े गुंडे हैं? दबंग है, बोल तो दिया, आज भी कहते हैं, प्रणाम करते हैं 100 बार। ऐसा रहा फिर तुम्हारी शादी में? मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ था। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, हमसे क्या लड़ेंगे। अच्छा मम्मी विदाई के टाइम पे रोई थी? रोई थी। अरे ये रोई जिस समय इनकी शादी के ऊपर इनको बैठाया गया गोद में जहाँ भैंसे रहती है वहाँ शादी हुई है मेरी, मेरे को तो रोना आ गया। मैं पास आ गया। हाँ इतना बड़ा घूंघट और पकड़ के रखा वो घूंघट को, वो साड़ी भी हम लेके थे 9 लाख की साड़ी। तो ढाई सौ रुपये, 250 की साड़ी लाए थे? 250 की साड़ी? अरे नहीं बड़ी अच्छी साड़ी थी यार, मैंने तो अपनी एक मैडम बनाने के नाते, अपना एक रिश्ता बनाने के नाते बड़ी अच्छी साड़ी संगम से ली थी हल्द्वानी से। और तुमको कहते हैं पिटिया में कितने रुपए लगाए थे मम्मी? 2 रुपए। 2 रुपए लगाए थे पिटिया में? 2 रुपए। दुल्हन के मुंह दिखाई ना, किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 2। क्या मुंह दिखाई? मैं 25 रुपये होते मेरे सबके मुंह दिखाई के 25 रुपये। आज 25,000 होते हैं आज के जमाने में। तो मम्मी से तो माफी मांगनी चाहिए थी कि तुमने उस दिन खाना खाने में गुस्सा करा करके। माफी मांग लो फिर एक बार उस दिन के लिए। सॉरी अच्छे से बोलो सॉरी। क्या मैं पांव फोड़ूं? ना ना अच्छे से सॉरी बोलो। तुमने उस दिन मम्मी के घर वालों को बुरा लगाया कि कहते हैं तुमने इतना हल्ला गुल्ला करा उस दिन? क्यों बुरा लगा तेरे को? जिस दिन शादी हुई ऐसा ना, तुम 2 कौड़ी की पढ़ाई लिखा, मैं एमए पास। तुम सॉरी बोलोगे नहीं बोलोगे मम्मी से? हाँ तो सॉरी बोल दिया। तो हाथ पकड़ के सॉरी बोलो। अरे नहीं आई डोंट लाइक इट। मम्मी ने ना, मम्मी ने पापा की सारी पोल खोल दी। तो सॉरी बोल दिया। मम्मी से बोलो मुझे क्या बोल रहे हो सॉरी? अच्छे से बोलो सॉरी। तुम मम्मी से ऐसा बोलो उस दिन शादी के दिन मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए माफी है। आई डोंट लाइक इट। मैं माफी मांगना, मैं अंग्रेजों की औलाद नहीं हूँ जो मैं माफी मांगू। तो चलो फिर एक काम करो, मम्मी से एक बार कह दो तो सॉरी तो कह दो, प्यार से कहो सॉरी, कह दो एक बार प्यार से कह दो। क्यों बोलूं सॉरी? तो आई लव यू बोल दो फिर एक बार। चलो आई लव यू। आई लव यू बोलो। चलो यू लव मी। ना ना यू लव मी, आई लव यू बोलो। चलो आई लव यू। अरे यहाँ को देख के बोलो, मम्मी को देख के बोलो, मम्मी को पकड़ो। अरे कह दो शर्मा रही है अभी। नई नई गर्लफ्रेंड है ना। मलिन प्रिय का हे हो तै मली। ये दशरथ है ना, जो मैं हूँ दशरथ, आप के कई हो प्रिय तुम काहे काहे मलिन।